नहीं एक सूरत में आपके घर के पास उसने क्या करवाया मोदी ने बिल्डिंग बनवा गई थी। ठीक है फिर उसके बाद में घर पे सब्सिडी दिया बच्चों के स्कूल का एडमिशन किया बच्चों ये बच्चों के एडमिशन वाली कब की बात है मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री था तब की बात मतलब सूरत में बराबर गुजरात का स्कीम लेकर आया वो स्कीम लेकर आया। अरे भाई मैं बोलता हूँ मोदी सरकार ने विकास किया बराबर पूरे गुजरात में विकास किया करेगा पूरा इंडिया में भी करेगा करेगा। कांग्रेस ने 55 साल में क्या कुछ नहीं किया सबको लूटते रहा बस। जय मोदी जय भारत जय मोदी जय भारत। ये बताइए मोदी ने डेवलपमेंट किया आपने वोट दिया मोदी को बिल्कुल हर बार पहले 5 साल में नहीं दिया था लेकिन जब 5 साल में सूरत में थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा रहता लगा तो कुछ बदलाव हो रहा है तो फिर मैंने उसको अगली बार उसको वोट देंगे नहीं देंगे बिल्कुल दूंगा। मेरे तो पूरे घर के 14 वोट मोदी कोई नहीं है नहीं अब लारी के ऊपर लारी चढ़ रही है। सारे मुसलमानों से कहते हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमको देखो कुछ मुसलमानों का दिमाग खराब है कुछ कांग्रेसियों का कुछ और दलों का दिमाग खराब है लेकिन ये सोचना चाहिए कि जिसका अगर विकास होता है जो आदमी काम करता है तो दिमाग में मजहब वाली बात नहीं आती है बिल्कुल मतलब देखो कि हमारा विकास हो रहा है काम हो रहा है कि काम हो रहा है हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी शिक्षा ले रहे हैं सही बात है। सरकार उनको मदद कर रही है रोड बन रही है पानी आ रहा है सब कुछ मिल रहा है। अभी हम लोग को पानी लेने के लिए 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है आज मोदी सरकार के राज में घर में बैठे बैठे पानी आ रहा है क्या बात कर रहे बिल्कुल घर के बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है। इससे बड़ा विकास क्या होगा आदमी की जरूरत क्या है रोटी और पानी। अच्छा मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं है बिल्कुल है फौरन बोल रहा है आजकल लोग जो उड़ाते हैं वो गलत बात है बिल्कुल गलत बात है मुसलमान की सुरक्षा मुसलमानों को कोई डर नहीं है कोई डर नहीं बिल्कुल डर है पहले से ज्यादा सुरक्षित है बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा मोदी सरकार ने कौन से मुसलमान के फायदे लागू किए मोदी के बच्चे ने कहा अच्छा तीन तलाक क्या बोलते हैं आप वो तो देखो इसके बारे में वो तो आपकी अपनी राय मांग रहा हूँ मैं मुसलमानों की राय जो हमारे मजहब से वो अच्छा इसमें तो कोई